देवऋषि नारद ने कंस से बुद्धि भ्रष्ट कराई थी कि इन्हीं पुत्र से, देवकी के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। ठीक उसी प्रकार से संदेश लेकर आक्रूर जी यहाँ श्रुतवा क्रूर वचा कृष्ण श्रुतवा क्रूर वचा कृष्ण बलश्च पलवीर सहस्य नन्दं पितरं भगवान ने इस क्रूर वचन को सुना तो अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जब कृष्ण ने क्रोध किया तो बलराम जी हंसने लगे, क्रोधातुर हो गए हैं, और वसुदेव के लिए भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कन्हैया जी जब मथुरा जाने लगे तो समझाते हैं ना आप लोग, शांति बहनों, मेरे भाई लोग शांति, ठीक है मैं जा रहा हूं, अपना संभाल के रहना, ख्याल रखना, कभी रोना मत, हंसते ही रहना। कन्हैया जी जा रहे हैं, ब्रज की बालाओं करुणामय कंठ से विरह वेदनाओं से कड़पने लगी कि हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। मेरे नंदलाल, मेरे बिहारी, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, बड़े निष्ठुर हो तुम, बड़े बेवफा हो, तुम तो जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। कन्हैया जी उन्हें समझाते हैं कि चिंतयन्तो मुकुन्दस्य भ्रीता विरहता समेता संगता प्रोचुर सुमख्यो उच्च। भगवान के विरह में गोपियां तड़पती हैं। वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा है। नंदलाल कहते हैं नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो कुछ सखियां शांति, कुछ सखियां जो है ना कन्हैया को इल्जाम लगाती है, इल्जाम सहने की आदत दो में ज्यादा है संत और परमात्मा। एक सखी ने तो हद ही कर दी, कन्हैया जी को कहती है अरे सखी बावड़ी हो गई है तू, नंदलाल को तो नए नए लोगों से मिलने की आदत पड़ गई है, अब इन्हें जब नए मिल गए तो हमारी क्या कदर, हद कर दिया। नानंद सुनो चरण भंग समीचते सुनिए, आचार्य जी गोपियों ने कितना हद कर दिया, इल्जाम लगा रहे हैं बिहारी तेरी सखी तू बावड़ी हो गई, बेकार इस बेवफा के पीछे भाग रही है, इसकी तो आदत सी बिगड़ गई। बिहाय गे हान स्वजनान, बिहाय गे हान स्वजनान सुतान पति अस्तादाच्यं उपभोगतान नव प्रिय। इसकी तो आदत पड़ गई है स्थान बदल के जहां भी जाए नव प्रिय। गोपियों ने नंदलाल को मेरे छोड़ा नहीं, धन्य है बिहारी, ऐसी सहन शक्ति कहां सारे इंसान में आ जाए तो फिर से सुख भी आ जाए।
बिना कारण ही जाम लगाए जा रहे हैं। अस्ता अस्त दास्य उपभोगता, अस्त दास्य उपभोगता उपभोगता नव प्रिया, इतना बड़ा इल्जाम ब्रज की बालाओं ने नंदलाल पे लगा दिया। अरे सखी तू बावरी हो गई है, क्यों इस बेवकाब के पीछे आंसू बह रही है, इसकी तो आदत बिगड़ गई है। ये जहां भी जाएगा इसे नए लोग मिल जाएंगे, और एक प्रेमिका अपने प्रेमी को दूसरे हंसते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे उसकी बहन क्यों ना हो। एक पत्नी अपने पति को किसी के गले लगते नहीं बर्दाश्त कर सकती, अज्ञानता में चाहे वो उसकी मासी क्यों ना हो। ये स्त्री स्वभाव है। पति देवता की जेब में गलती से किसी का पासपोर्ट फोटो मिल जाए तो मेरे ख्याल से 4-6 दिन के लिए भोजन बंद हो जाए। वो देता रहे सफाई, ये किसी के ऑफिस में काम के लिए है, किसी के लिए हाँ तेरे ही जेब में रहे फोटो सबकी, सबका काम तू ही करे और सबका करे ना करे पर मेरा तो कभी किया ना। ब्रज की बालाएं तरह तरह के इल्जाम नंदलाल पे लगा रही है। नंदलाल कहते हैं ऐसा नहीं है, संभाल के रहना, मैं दूर होके भी तुम्हारे पास हूं। दूसरी सखी ने कहा रे बाहुली सुखम प्रभाता रजनीय मासिसा, ये बेवफा का क्या कहना, इसको तो रात सफर में कट जाएगा। वाह रे वाह, मेरा कारण किसी पे भी इल्जाम लगा देना तो दुनिया की आदत है जी, कि जीते जी डंडा मरने के बाद गंगा। पास में रहे तो बुराई करे, हर बात बुरी लगे और दूर जाए तो तड़प तड़प के रोए। ब्रज में जब तक नंदलाल रहे कोई चोर कहे कोई छलिया कहे, और जब चले गए तो तड़प तड़प के रो रहे। आचार्य जी व्याकरण को देखे, सखियों ने कहा इस बेवफा का क्या, सुखम प्रभाता रजनी अमासिसा सत्य बभूव पुरयोषिताम ध्रुवम यासं प्रविष्टस्य मुखं व्रज अस्पते पांगो उत्कलित स्मृताश्रव। अरे इसका तो रात में सफर जाएगा कर, शाम को नंदलाल ब्रज से निकलेंगे, सुबह ने मथुरा पहुंच जाएंगे, और मथुरा पहुंचने के बाद ब्रज की याद कहां से आएगी, वहां क्या मथुरा में स्त्रियां नहीं है, मथुरा में की कुमारी नहीं है। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए मेरे बिहारी पे। अरे आस की माँ, विश्वास की माँ, आस्था की भी कोई माँ है जिसे समर्पण कहते हैं। देखिए मेरे नंदलाल पे ब्रज की बालाओं ने हजार इल्जाम लगा दिए, लेकिन मेरे कन्हैया ने एक बार भी रुपए इल्जाम नहीं लगाए, सारा इल्जाम लगाए जा रही है। तासा मुकुंद मधु मंजुवासित गृहीत चित्त परवान मन सव्यति। अरे सखी इसकी मीठी बातों में हम आगे हम ही गुनहगार हैं। ये मीठी मीठी बात करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अब मुझे तड़पता छोड़ कर जा रहा है। यथार्थता है ये जीवात्मा परमात्मा से दूर हो तो ऐसे ही होता है, पर हकीकत में प्रेम का यही प्रतीक है कि मोहब्बत में है ना,
सिकवा नहीं शुक्रिया होता है। सिकवा करने वाले मोहब्बत नहीं करते, और बिहारी की प्रीति में सिकवा की जगह ही कहां है, वहां तो शुक्रिया ही शुक्रिया कि खुश रहे वो जो हमें जानते हैं, हमें उससे ज्यादा वो खुश रहे जो हमें जानते हैं। कितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ब्रज की बाधा ने कह दिया नंदलाल, फिर कन्हैया ने एक बात कह दी, देखो जी मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं, मैंने तुमसे प्रेम कल था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन तुम्हारा गुनहगार मैं नहीं, अपनी मर्जी से आप मुझे गुनहगार मत हो, ये तुम्हारे विचारों की उपज है कि तुम मुझे गुनहगार। अद्यम ध्रुवम तत्र दिशो भविष्यते, ध्रुव सत्य है, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं, बाकी अब तुमने परदेशी कहे ही दिया है, तो एक काम करो ऐ व्रत की सखियों, तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये अवतार लिया था। अरे मेरा शरीर है तब तो मैं तुम्हारा हूं ही, शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ से भी रोज इसी निधि वन में रास रचाने में तुम्हारे पास आया करूंगा, लेकिन मुझ पे इल्जाम मत लगाओ मैं गुनहगार नहीं। हम परदेशी हो गया, आज यहां से जा रहे हम परदेशी हो गए तुम्हारे लिए, कि हम पर हम परदेशी फकीर हैं, किरेत पर नाम लिखने से क्या फायदा है, अरे मैं तो काला कलूटा, मुझे कोई देखना भी नहीं पसंद करता था, तुम तो इतनी सुंदर थे, किरेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहन कुछ बच्चे का नहीं, नाम पत्थर का जो तुमने हमको दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं, हम पर देसी फकीर कोई दिन याद करो, या
नादानी।